जाने उस भूत ने मैडम का क्या हश्र किया होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं, तू घर जा, घर जा, घर जा। अरे क्या कर रहा है ये? डर हम लोग को भी डराती है। चंद्रमुखी जी, मम्मी जी। Oh my God! लगता है भूत ने मम्मी जी का खून कर दिया। नहीं गोपी, नहीं नहीं। कितना समझाया था मैडम को, कितना समझाया था, लेकिन अपनी अकल और अपनी अकल के आगे किसी की सुनती है? अच्छी खासी सीधी कुतुब मीनार से लेटी कुतुब मीनार हो गई मैडम। मेरी नकल उतारी है। मैं चंद्रमुखी जी के बिना नहीं जीना चाहता। तो सर आप एक काम कीजिए, आज रात को नाइट ड्यूटी आप कर लीजिए। शट अप। मम्मी जी, मम्मी जी, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? मम्मी जी, आपने रात की ड्यूटी क्यों की? हो ही ना भूत की नफरत का शिकार। उड़ा नहीं मैडम की आत्मा का परिंदा, देखो मैडम तो है अभी भी जिंदा। ओ यार, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे मैडम आप जिंदा है, आप जिंदा है। अरे मैडम मैं आपकी बड़ी सी फोटो फ्रेम होने देने ही वाला था। वो सब छोड़िए चंद्रमुखी जी, ये बताइए कि रात को हुआ क्या? हाँ जी जी मम्मी जी, बताइए ना। डैडी जॉन, वेयर आर यू गॉन? आपने देखा उसको? हाँ देखा सर, देखा। मैडम ने भी डैडी जॉन को देखा। यानी कि हमारी चौकी में भूत है। अबे डैडी जॉन दिखा का मतलब यो ना है कि वो भूत से है? अरे दिखा कोई जो है एकदम ही आड़ा टेढ़ा सा बाइलिन लेके जो है एक आदमी। तो मैं जो है नजदीक से देखने को जब उसके करीब गई तो साला जो है गायब हो गया। फिर पूरी रात जो है मैं ढूंढती रही साले को, ना पूरा एरिया छान मारा, रात भर यो ही करती रही मैं, मिला कोई ना। इसलिए जो है जरा सी आंख लगी थी सवेरे, गहरी नींद में होली थी, तो बिल्कुल चैन मत लेने देना। गाने वाने गा लिए, सैड सॉन्ग हल्ला काट लिया, चारों ने मिल गए यहाँ। जो भी हो चंद्रमुखी जी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हो चंद्रमुखी जी। चल हट। थैंक यू डैडी जॉन, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ हाँ ठीक है, चलो धंधे पे लगो, काम पे। ओ चाय बोल। चाय। मैडम मैडम मैडम। अरे यार तू फिर आ गया, अब क्या हो गया? रायता फैल गया होगा। क्यों? हाँ रायता फैल गया। मैडम कल आपने हमें यहाँ से भगा दिया ना, तो उसके बाद में ये मेरा ससुर जो भस्मासुर बना जा रहा है, इन्होंने क्या किया मालूम है? कल रात को मुझे भूत बंगले में भेज दिया और कहने लगे कि वहाँ पे जो चुड़ैल रहती है उन्हें रेवड़ी खिला के आओ। तुमने रेवड़ी खिलाई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, रायता फैल गया। पर तुम तो रेवड़ी लेके गए थे ना? अब तो रेवड़ी का रायता फैल गया। मैडम वो चुड़ैल है ना, पूरा पैकेट रेवड़ी का खा गई। और उसका पति यानी कि हस्बैंड यानी कि भूत, उसने मुझे पकड़ लिया और सारी रात मुन्नी बदनाम हुई ये गाने पे डांस करवाया मुझे। और फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ा कैसे? बम भट्ट, जब हम पहुंचे तब हमारे आने से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। ये वाला पकड़ो। इसमें क्या है? ये तो खाली है। इसमें वही भूत बंद है। अरे मैडम मैडम मैडम, अगर ये भूत पकड़ने के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो क्यों ना हम उस डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन उस भूत को इनसे ही पकड़वा दें। हाँ जी जी मम्मी जी, दूर समंदर में फेंकाएंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है चंद्रमुखी जी। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हो गया, बोल लिया भयभीत प्राणियों, डरपोक शिवरिंग स्केर्ड हैं। अबे जब कोई भूत है ही ना तो पकड़ोगे किसे? चलिए मैं आपसे वो सवाल फिर से पूछता हूँ चंद्रमुखी जी, कि अगर यहाँ भूत नहीं है तो कल रात आपने किसे देखा है?
यहाँ है, यहाँ भूत है, यहाँ आत्मा का वास है, चुड़ैल का निवास है। देखिए चंद्रमुखी जी, मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, ओके, और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ओके? इस नाते से मैं इसे अपॉइंट करता हूँ भूत पकड़ने के लिए। योर ऑन मैन, योर ऑन, प्लीज आप यहाँ रहिए और भगवान के लिए उस भूत को पकड़ लीजिए, ओके? बमभट, आज रात हम करेंगे विधि का विधान और बोतल में बंद कर देंगे उसे, पकड़ के उसके कान। बमभट। नींबू का रस। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि वो भूत संगीत का शौकीन है, तो आप लोग एक काम करो, एक गाना गाओ और मैं विधि विधान करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि वो भूत सबके सामने आ जाएगा। लगता है भूत यही कहीं आसपास है। बता कौन है तू? कौन नहीं, जॉन। हम है डैरी जॉन। जॉन चला जा, चला जा यहां से। इधर से हम नहीं जाएंगा, इधर से तुम सब जाएंगा, वरना हम तुम्हारा बैंड बजाएंगा। ये तेरी तो अबे तेरी तो नहीं, नहीं। अरे अरे लेकिन तू तो पाजी कहाँ गए? It's gone. क्या करा तेरे? क्या कर रही थी आप? ये बड़ा शक्तिशाली भूत है। मैंने बड़े से बड़े भूत देखे हैं, अड़ियल से जड़ियल तक, पिद्दी से जिद्दी तक, सभी भूतों को मैंने बोतलों में बंद करके अपनी बगलों में दबा के रखा है, पर ये भूत, इस भूत से तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, चौकी छोड़ दो। ये सब क्या बकवास है? चंद्रमुखी जी आप भी? सर मैं तो पहले से इस बात का विरोध कर रही थी सर, ना मैं तो यूं कह रही हूँ कि ये सब अंधविश्वास की बातें हो रही है, भूत वगैरह। सर बट देयर इज अ पॉइंट सर, और पॉइंट ये है सर कि अगर भूत नहीं है तो वो कौन है जो चौकी में घूम रहा है? हाँ सर, और वो जो भी है बहुत ही खतरनाक है सर। सर हमारी बात मानिए सर, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अबे नौकरी का सवाल हो जाएगा, जान का सवाल, चुपचाप खड़ा रहे। सर मारी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हमारी तो सब समझ में आ गया जी, एक चौकी एक कब्रिस्तान पे बनी है जी। और यू शट अप, ऑलमोस्ट रिटायर हवलदार, अभी रिटायर कर दूंगा और पेंशन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पेंशन नहीं सर, टेंशन। हमको बहुत टेंशन है सर। सर आप तो बड़े अफसर हैं इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं। सर एक्चुअली छोटा मुंह बड़ा पेट। सर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार नाइट ड्यूटी करके क्यों नहीं देख लेते यहाँ पर? क्या मतलब, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नाइट ड्यूटी करूंगा? मैं? सर आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपके पोतों जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा सर।
आप कितने अच्छे आदमी थे। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है गुड नाइट सर, मेरा मतलब है नाइट ड्यूटी सर, नहीं मेरा मतलब है मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ सर, एक्सक्यूज मी सर। कितने सालों के बाद मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, वाह, यस, याद है मुझे जब मैं कॉन्स्टेबल था तो नाइट ड्यूटी किया करता था। भूत, सब कहते हैं कि पुलिस चौकी में भूत है, भूत, अरे किधर है भूत, निकल तेरी तो माँ भूत, अबे आ भूत, कौन सा पुलिस चौकी में भूत है, देखता हूं मैं किधर है, देख तेरी भूत की तो हट, भूत। कौन है तुम? सामने आप। कोई नहीं है? चौकी में कोई नहीं हैंगा, चौकी में तुम अकेला हैंगा। मैं तो अकेला हूं चौकी में। लेकिन लेकिन ये आवाज, आवाज कैसे? कौन नहीं? जॉन, डैरी जॉन, हमसे दोस्ती करेगा, 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 ये लोग सही कह रहे हैं, इस चौकी में भूत है, भूत। सर प्लीज, क्यों इन बातों पे यकीन कर रहे हैं? आप भी यकीन कीजिए इंस्पेक्टर आयरन सर, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ, इस मामले में जो भी फैसला लेना हो तुम ले सकते हो। हाँ आप फिकर मत कीजिए सर, मैं देख लूंगा सर, आप इन्हें संभाल के ले जाइए प्लीज। डोंट वरी सर, अपन इनको संभाल के लेके जाएंगा। जाएंगा जाएंगा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैडम आपको? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की मोटी चमड़ी के, मेरा मतलब है जिद्दी घोड़ी, मेरा मतलब है मान जाइए ना आप तो। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं तो दोबारा कभी इस चौकी में कदम नहीं रखूंगा जी। बस बस। Oh, Daddy John, where have you gone? देखा, हम तुमको बोला था और वो सच निकला। अब हम तुम लोगों को एक एडवाइस देने को मांगता है। इस चौकी को बेच दो। अरे वो तो ठीक है बेच दे, लेकिन इस भूतिया चौकी को खरीदेगा कौन? कौन नहीं, जॉन, सन जॉन, हम खरीदेगा इस पूरा जगह को, और उसके बाद इधर में किसी को भी आने को नहीं देगा। अबे और डैडी की औलाद। बस बस चंद्रमुखी जी, बहुत हो गया प्लीज, बहुत हो गया। संजॉन, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, ये चौकी मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। यो चौकी हमारे जीते जी ना बिकेगी। समझने की कोशिश कीजिए, भूतिया लोग है ये लोग, आत्मा है, इनसे लड़ नहीं पाएंगे आप। आप हमारी बात सुनिए। बहुत हो गया चंद्रमुखी जी, बस इनफ, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया है। अरे आप चाहती क्या है? आप चाहती है कि इस चौकी के एक एक हवलदार पुलिस वाले मरते जाए? ये बुढ़ाओ इनको देखो, कल का मरता आज मर जाएगा। इनफ। ओह यह संजॉन, यू कम टुमारो, आई विल साइन द पेपर्स, ओके? मैं आपको एक अच्छी डील दूंगा। 25%? हाँ 25% सही है सर, सही है। संजॉन 25% में आप ये चौकी ले लीजिए, लेकिन हमें प्लीज आजाद कर दीजिए सर जॉन, प्लीज।
Oh, Daddy John, where have you gone? हमको डिस्काउंट मिला है डैडी. Take this for the future. पहना दो इसको यार बुढ़ो को. मार डालो इसको. Good deal sir. मैडम सर मैं कह रही हूँ ये सही ना हो रहा है. अरे मैडम जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जरूरी है मैडम. है पेशेंस मम्मी जी, भूतों के साथ हमारा क्या मुकाबला. ओह डैडी जॉन, वेयर हैव यू गॉन. ये देखो हम तुम्हारा वास्ते इस पूरा जगह को खरीद लिया है. अब तुम इधर में आराम से सो सकेगा. चल हट. कोई भी तुमको डिस्टर्ब करने को नहीं सकेगा. Oh no. Oh Daddy John. चल हट. Where have you gone? ये आपने सही ना करा है सर. 5 साल दिए मैंने इस चौकी को, 5 साल गुजारे हैं यहाँ. न जाने कितने केस सॉल्व करे, कितनी खुशियां, कितने दुख देखे, और आपने पल भर में ये चौकी बेच दी. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.